नमस्कार, रिचा रियल बैजिस में आपका स्वागत है। आज मैं पाव बनाने जा रही हूँ। चलिए पाव बनाना शुरू करते हैं। पहले हम तैयारी कर लेते हैं। 1.5 चम्मच हमने शक्कर ली है, 1.5 चम्मच ड्राई ईस्ट, 1/4 चम्मच नमक, इसमें थोड़ा सा दूध डाल के, 2 चम्मच करीब दूध डाल के रख देंगे, इसे साइड में रख देंगे फुलाने के लिए। थोड़ा सा और डाल देते हैं। इसे 7 मिनट के लिए हमने रेस्ट करने के लिए बंद करके रख देंगे। पाव बनाने के लिए हम डो लगा लेते हैं। हमने 1.5 कप मैदा लिया, 1 मिनट हो गए। अब हम एक होल बना के इसमें हम सारा ईस्ट डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा गुनगुना दूध डालते हुए इसका हम डो तैयार करेंगे। इसमें ऑयली ऑयल डालेंगे 2 चम्मच करीब, इससे मसलेंगे तो हाथ भी पूरा मैदा छूट जाएगी हाथ से। चिकना डो तैयार करेंगे, एकदम सॉफ्ट डो लगाना है इसे। अब डो में ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इसको हम बंद करके गर्म जगह पे 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटा हो गया, देखिए कितना अच्छा फूल गया है। इसको हम पहले ऐसे दबा दबा के सॉफ्ट करेंगे। इसे अलग निकाल लेते हैं, इसको मुलायम करेंगे। खूब अच्छे से मसलेंगे। एकदम चिकना हो गया। अब इसको हम थोड़ा गोल करके अच्छे से रोल बना लेंगे। इसे बीच में काटेंगे। अब इनके 3-3 भाग कर लेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3। एक पार्ट उठाएंगे, इसे इस तरह से करके गोल करते जाएंगे। बीच में से यूं दबा देंगे जिससे पाव फूले फटे नहीं, इस तरह से बना लेंगे। जितना बड़ा बनाना चाहे उस हिसाब से अपना बना लीजिए। अब जिस ट्रे में हम बनाएंगे पाव उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर लेते हैं। अब इसमें हम लगाते जाएंगे। ये हमने सारे पाव बना के रख लिए हैं। अब इनको हम एक टॉवल से 1/2 घंटे के लिए रख देंगे गर्म जगह पे। एक साइड में कढ़ाई प्री हीट करने के लिए रख दी है। पाव हमने निकाल लिए हैं, ये पाव फूल गए हैं एकदम से। अब हम इनमें मिल्क लगाएंगे पूरे अच्छे से, इस तरह से
मिल्क लगाने से शाइनिंग आएगी। आपके पास क्रीम हो तो क्रीम भी लगा सकते हैं। अब हम इसे बेक करने के लिए रख रहे हैं। कढ़ाई में हमने एक स्टैंड लगा लिया है, इस तरह से हमने ये रख दिया। आप नीचे नमक बिछाना चाहें तो बिछा सकते हैं, हम नहीं बिछा रहे। इसको हमने रख दिया 30 मिनट के लिए, इसे बेक होने हो गए। देखते हैं हमारे पाव तैयार हुए कि नहीं। वाह, बहुत अच्छा कलर आया है। इसको अभी हम निकाल लेते हैं, गैस को करते हैं बंद और पाव को निकाल के नीचे रख लेते हैं। अब इनमें हम बटर लगा देंगे। इससे बहुत सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे, बहुत टेस्टी हो जाते हैं। अब पाव को हम गीले कपड़े से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। एक हमने गीला रुमाल कर लिया है, इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए पाव कितना अच्छा बना है। इसको हम डीमोल्ड करते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम सॉफ्ट। देखिए पाव बनके तैयार है।